हम कंप्यूटर ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे। किसी को याद है कंप्यूटर ब्रेन के हवाले से कि क्या होता है उसमें, किस किस तरह की तीन चीजें उसमें? 20 टाइम्स फास्टर होता है। 20 टाइम्स फास्टर किससे होता है? चिम से 5 टाइम्स, ह्यूमन से? ओके, यस। और उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक मेंटल मैप होता है। जब भी हमने कोई भी चीज़ करनी होती है तो हम कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, पहले उधर रेफर करते हैं, वहाँ से जो बिलीफ सिस्टम मौजूद होता है उसकी बेसिस पे कोई एक्शन लिया जाता है, उसकी बेसिस पे कुछ करते हैं। गॉब्लिन्स एक्चुअली वो अनहेल्पफुल बिलीफ्स होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जो 8 साल की उम्र तक हमारे बन रहे होते हैं। और ग्रेमलिन्स जो हैं वो 7 साल, 7 या 8 साल की उम्र के बाद सीखे जाते हैं, दूसरे लोग हमें सिखाते हैं। अनहेल्पफुल बिलीव्स, अनहेल्पफुल थॉट्स, और इनको बदला जा सकता है, इन पे काम किया जा सकता है और इनको चेंज कर सकते हैं हम। ऑटो पायलट्स क्या होते हैं? बिल्कुल, ऑटो पायलट्स पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव बिलीव्स, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं। पॉजिटिव वाइब्स तो नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस है। तो ऑटो पायलट्स पे हमें काम करना चाहिए, हमें अपने ग्रेमलिन्स को ऑटो पायलट के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन फेमिलियर है कॉग्निटिव थिंकिंग एरर्स से? क्या होते हैं, कोई एनी आइडिया? या सेल्फ टॉक थिंकिंग एरर्स, सोचों की खराबी, स्टिंकिंग थिंकिंग, बहुत से नाम है इसके। थॉट्स जितनी भी हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, आज हम उनको टैकल करेंगे, उनको हम ग्रेमलिन्स कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को मैनेज करने की बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात इस चीज़ की कर रहे होते हैं कि हमने ग्रेमलिन्स को रिप्लेस करना है विद ऑटो पायलट्स, क्योंकि ऑटो पायलट्स अच्छी चीज़ें हैं। ऑटो पायलट्स गुड बिलीव्स हैं, गुड थॉट्स हैं, गुड थिंकिंग सिस्टम्स हैं, जो अप्रोप्रिएट होते हैं, जो रैशनल होते हैं, यानी कि समझ लें जो ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग से आ रही होती हैं चीज़ें। तो हमने ग्रेमलिन्स को जो गलत सोचे हैं, खराब सोचे हैं, उनको बदलना है विद ऑटो पायलट्स। अच्छा, गॉबलिन्स, ग्रेमलिन्स, ऑटो पायलट, स्टोन ऑफ लाइफ क्या है? अच्छा, तो इसको हम खुद प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर ब्रेन में, हम खुद से चीज़ें डालते हैं और ये हमारा पार्ट बन जाती हैं। और फिर जब भी कोई भी सिचुएशन होती है तो ह्यूमन एंड चिंप ब्रेन दोनों कंप्यूटर ब्रेन को रेफर करते हैं। अब अगर चिम्प ब्रेन और कंप्यूटर ब्रेन आपस में मिल जाएं तो डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि ग्रेमलिन्स कहेंगे कि ये जो जिस बंदे ने लाइन काट के आपके सामने आके खड़ा हो गया इस क्यू में, तो ये एक बुरा इंसान है, तो इसको ज़रा सुनाओ। तो चिम्प ब्रेन ज़रा वर्कअप हो जाएगा, चिम्प ब्रेन को भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। चिम्प ब्रेन कहेगा मैं सुनाता हूँ इसको, फिर वो एक्शन ले लेगा और वो बोलना शुरू कर देगा। इरिटेशन तो एक फीलिंग है ना, एक इमोशन समझना है। देखिए, इमोशंस आप कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ अस। हम इमोशनल बीइंग्स हैं, तो हमारे साथ जो कुछ भी होगा उस पे हम कोई ना कोई इमोशन लाजमी महसूस करेंगे, सम आर गुड, सम आर बैड। अब उनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, दैट मैटर्स। कभी कभार पॉजिटिव इमोशंस भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ले आते हैं। हम टिपिकली पेशेंट्स को जो सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि 1 डे एट अ टाइम अप्रोच रखें। एक एक दिन नहीं गुजरता तो 12 आवर्स की अप्रोच रख लें, कि 12 आवर्स एट अ टाइम, कि आधा दिन गुजार लेते हैं हम अच्छे तरीके से, फिर आधा दिन गुजरने के बाद ज़रा दोबारा इस चीज़ पे सोच लेंगे। एक तो ये अप्रोच है कि बहुत ज़्यादा आगे की ना सोचें कि हमने यहाँ पे कितने दिन रहना है, पता नहीं कितने दिन यहाँ पे हम रहेंगे, मीटिंग्स होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। सोच आती है, इसको बैटल करना पड़ता है ना, सोचे तो आती रहेंगी। हमारे ब्रेन में स्पीडो स्पीड सोचे आ रही होती हैं एट ए टाइम, टैकल करना है ना। तो जब ये सोच आए तो इस पे बात ये सोच लें कि मैंने सिर्फ फिलहाल आज का दिन गुजारना है अच्छे तरीके से, फिर कल की कल देखी जाएगी, जब कल आए फिर कल आए तो कल फिर देख लेंगे, जो भी उस टाइम पे सिचुएशन होगी। 1 डे एट अ टाइम वाला, हाँ, एक मिनट। अगर 1 डे एट अ टाइम नहीं हो सकता तो 12 आवर्स एट अ टाइम कर लें, एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है कि इस चीज़ को समझ लें कि आपका यहाँ पे रहना ज़रूरी है क्यों।
दिन और मुश्किल हो जाता है इस बात से. नहीं, इससे अगर आप इसको ट्रूली एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो रहना आसान हो जाता है. अगर आप पहला कदम 12 स्टेप्स का पूरा कर लेते हैं, यू रियलाइज दैट यू आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ योर डिजीज एंड योर लाइफ वाज अनमैनेजेबल, तो यहाँ रहना थोड़ा सा आसान हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि 100% आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हो जाता है. तो कंप्यूटर ब्रेन में ये चार चीज़ें पाई जाती हैं, ग्रेमलिन्स, गॉबलिन्स, ऑटो पायलट्स एंड स्टोन ऑफ लाइफ. इसको हम खुद से प्रोग्राम करते हैं. जो चीज़ हम कंप्यूटर में डालेंगे वो होगी, जो नहीं डालेंगे वो नहीं होगी. सिंपल है. एक आप नॉर्मल कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें तो उसमें आप जो इंस्टॉल करते हैं वही आता है ना, खुद से तो कुछ ही ना आ जाता. आप कुछ इंस्टॉल करते हैं तो आता, अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो तभी ये चीज़ें आती हैं. जब ऐसा नहीं होता, जब नहीं डालते तो चीज़ें ठीक भी चल रही होती हैं. तो अब ये चीज़ें हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ग्रेमलिन्स, गॉबलिन्स, ये सारी चीज़ें ऑपरेट कैसे करती हैं, किस किस तरीके से ये हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, हमारे मूड्स को अफेक्ट करते हैं, किस तरह ये चिंप के साथ मिल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे, कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है. तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा अरसान साहब. सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाइंग एंड रिप्लेसिंग ग्रेमलिन्स विद ऑटो पायलट्स. पहली बात तो ये है कि अपने थिंकिंग एरर्स को अगर हम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते. जब हमें पता ही नहीं कि हमारी सोचों की ख़राबी है, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा एक ग्रेमलिन काम कर रहा है और वो हमें कह रहा है कि ये लड़ो इस बंदे से जिसने आपको आगे कट किया है. मेडिसिंस कुछ हद तक सोचों को ठीक करती हैं, बिल्कुल सारी नहीं करती, ठीक. उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं जिनको फिर हमें खुद से रिजॉल्व करना होता है. सही. तो बात यह है कि आप लोगों का एक इससे आप लोगों का एक केमिकल इम्बैलेंस है, राइट. नशे कर करके हमने अपने अंदर एक केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट किया. वहीं अगर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, हमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसे, तो उसमें भी हमारा एक केमिकल इम्बैलेंस है ना. उसको पहले ठीक करने के लिए, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट लेवल पे लाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है. तब जाके आप रिसेप्टिव होते हैं, फिर हम आपको ये चीज़ें सिखा सकते हैं. अब जैसे मिस तैयबा आई थी हमारे पास फुल ब्लोन साइकोसिस में, स्किज़ोफ्रेनिया में, शुरू के दिनों में अगर हम इनसे बात करते कि आपकी ये डिलूजन्स हैं, ये आपके सिर्फ जेन में है, ये असल बातें नहीं हैं, तो उन्होंने यकीन नहीं करना था. काफ़ी हद तक, काफ़ी दिन तो उन्होंने यकीन नहीं किया क्योंकि वो रिसेप्टिव नहीं थी. मेडिसिन मिलना शुरू हुई, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स, मेडिसिन मिलना शुरू हुई, करते कराते उनका लेवल अप होना शुरू हुआ, डोपामीन का चीज़ें ठीक होना शुरू हुई. और फिर जब उनसे बात की गई, ये आइडिया फ्लोट किया गया उनको कि ये एक्चुअली में आपकी डिलूजन थी, तो उन्होंने मान भी लिया. फिर कुछ एविडेंस सर्चिंग की, कुछ और ज़रा कॉग्निटिव टेक्निक्स इस्तेमाल की, तो काफ़ी हद तक डिलूजन्स हमारी शेक हो गई. फिर एक पॉइंट आया कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, राइट. तो कुछ काम मेडिसिंस ने किया, हमारे लिए आसानी पैदा की, बाकी का काम काउंसलिंग ने किया. द रेस्ट इज़ अप टू यू नाउ कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं. मेडिसिंस की भी लिमिटेशन होती है, एक हद तक ही काम करती हैं, बाकी खुद करना होता है. एक एग्जांपल से समझाती हूँ. किसी का स्टमक अपसेट है और वो एंटीबायोटिक खा रहा है, लेकिन वो साथ में खाने भी खाए जा रहे हैं, वो सही लाइक सही मिर्चों वाले खाने खा रहा है, वो हैवी चीज़ें खा रहा है, क्या उसका स्टमक ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ना. तो दवाई के साथ साथ कुछ चीज़ों लाइफस्टाइल चेंजेस भी लेके आने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें बंद भी करनी पड़ती हैं, कोई नरम गज़ा की तरफ भी जाना पड़ता है. अभी मैं स्टमक इन्फेक्शन की ही बात कर रही हूँ. साइकोसिस में हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें याद नहीं रहती. स्किज़ोफ्रेनिया में भी, स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोसिस होता है ना, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें नहीं भी याद रहती. थिंग्स दैट यू हैव डन एंड यू डोंट रिमेम्बर, वो फिर आपको याद कराई जाती. अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाइंग एंड रिप्लेसिंग ग्रेमलिन्स विद ऑटो पायलट्स. पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आपके ब्रेन में, उस्मान साहब और अब्दुलरहमान साहब, कि आपके ब्रेन में कौन कौन से, किस किस तरह के ग्रेमलिन्स एग्जिस्ट करते हैं, और फिर उनको ऑटो पायलट्स के साथ रिप्लेस करना शुरू कर दें. आगे चल के इसको और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. दूसरी चीज़ है स्टॉपिंग एनी मोर ग्रेमलिन्स फ्रॉम गोइंग इनटू द कंप्यूटर. यानी कि अब हमें कोई भी गलत सोच आती है तो उसको रजिस्टर ना करें.
मुश्किल बात है, कहने को आसान है पर करने को बहुत मुश्किल है. जैसे आपको बच्चे को अगर सिखा दिया जाए कि गॉबलिन की एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, वो ये है कि बच्चा आया है, उसने जो है लिखा है, कोई अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ किया उसने, और उसके पेरेंट्स जो हैं उसको उस पिक्चर पे प्रेज करते हैं और उसको कहते हैं कि चलो आओ इसको हम फ्रिज पे लगा देते हैं. तो वो बच्चा अनकॉन्शियसली ये सीख लेता है कि मेरी सेल्फ वर्थ अटैच्ड है टू अचीवमेंट. मैं कुछ अचीव करूँगा तो मुझे प्यार मिलेगा, मैं कुछ अचीव करूँगा तो मुझे घर वाले जो है ना अच्छा समझेंगे. ये वो अनकॉन्शियसली समझ सीख गए. अब ये काफ़ी देर तक रहती है चीज़, ये हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स में, ये हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाता है, ये हमारे रिलेशनशिप्स में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाता है, इवन हमारा जो एक वर्क एनवायरनमेंट है, करियर है, उसमें भी ये ट्रांसलेट होता है कि बॉस के सामने कुछ करेंगे, बॉस प्रेज करेगा तो अच्छा महसूस होगा, वरना वी आर नॉट वर्थ एनीथिंग. ये सोच आती है, ये गॉबलिन्स की एग्जांपल, ये बचपन से सिखाया जा रहा होता है. सबकॉन्शियस से उसको कॉन्शियसनेस में ला के पहले स्टेप से आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं. इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको हम एज अ ग्रेमलिन समझते हैं. अगर ये बहुत बचपन में हुआ था तो इसको चेंज करना, इस बिलीफ को थोड़ा सा खड़काना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर ये हुआ है आफ्टरवर्ड्स, जैसे आप हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में ये कोई चीज़ चल रही है, तो आप इस चीज़ को इस तरह करते हैं कि ये आपका ग्रेमलिन है कि मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छा समझा जाएगा. ठीक, आप इसको ऑटो पायलट पे इस तरह लेके जाते हैं कि आई एम गुड इनफ एज इट इज़. आप इस सोच को इस सोच के साथ रिप्लेस करते हैं कि आई एम गुड इनफ एज इट इज. जी ले जाए. ठीक, आप अपने अंदर सर्च करते हैं गुड थिंग्स, गुड क्वालिटीज दैट यू हैव, विदाउट यू नो लाइक सीकिंग वैलिडेशन. कौन सी चीज़ें हैं जो आपने की हैं और जिसका बारे में आप बहुत प्राउड हैं, और जिसमें किसी और बंदे की इंटरवेंशन नहीं थी, जिसमें किसी और बंदे ने कोई प्रेज नहीं आपको कभी की थी, बट यू आर प्राउड ऑफ देम बिकॉज दे आर गुड थिंग्स. आपकी जो यूनिकनेस है, आपके जो स्किल्स हैं, आपका जो टैलेंट है, इसको तो आप अपने आप को ये बताते हैं कि आई एम गुड इनफ एज इट इज़. यानी कि आपने इस ग्रेमलिन को इस तरीके से रिप्लेस कर दिया. ग्रेमलिन ये कह रहा है कि यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग अनलेस समवन प्रेजेस यू. ऑटो पायलट ये कहेगा यू आर गुड इनफ एज यू आर, यू डोंट नीड एनीवन एल्सेस प्रेज. सिर्फ इंटरनल डायलॉग है, जिम ब्रेन हमारे अंदर ही है तो इंटरनल डायलॉग ही होगा मोस्टली. जो आपका ब्रेन है वो डेवलप करता है बाय द एज ऑफ 25-28, इस एज तक आपका ब्रेन डेवलप करता है. ग्रेमलिन्स आप उसके बाद भी सीख सकते हैं, गॉबलिन्स तो नहीं ऑब्वियसली सीख सकेंगे, ग्रेमलिन्स उसके बाद भी आ. स्टॉपिंग एनी मोर ग्रेमलिन्स फ्रॉम गोइंग इन टू द कंप्यूटर, आप रोकते हैं. जब आप लोगों को नेगेटिव सोच आती है तो हम आप लोगों को कहते हैं कि आइदर डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, रिप्लेस इट विद सम अदर पॉजिटिव थॉट, डू नॉट थिंक टू मच ओवर इट, रूमिनेट ना करें, ज़्यादा ना सोचें इस बारे में. ये विद प्रैक्टिस आता है, फौरन नहीं हम कर सकते इसको ऐसे, एक ये चीज़ है. तीसरी चीज़ है परफेक्टिंग योर स्टोन ऑफ लाइफ, सो योर वैल्यूज़, योर ट्रूथ्स, योर माइंड सेट जिसके साथ आप रहते हैं, जिसको आप यूटिलाइज करते हैं सबसे ज़्यादा, उसको परफेक्ट करना शुरू कर दें, उस पर मज़ीद काम करें, अच्छी से अच्छी वैल्यूज़, अच्छे से अच्छे ट्रूथ्स, अच्छे से अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना, इन तमाम चीज़ों को जो है परफेक्ट करना शुरू कर दें. चौथी चीज़ है इस्टेब्लिशिंग योर माइंडसेट एंड लिविंग बाय इट. मैंने इकट्ठे ही एक्सप्लेन कर दिया कि इस्टेब्लिशिंग योर माइंडसेट एंड लिविंग बाय इट. अब अगर किसी का पैराडाइम जो है उस दिन, जैसे एक एक्टिविटी यहाँ पर मिस हफ्सा ने कराई थी वो पिक्चर वाली, तो आपका डिफरेंट पैराडाइम्स मेंट डिफरेंट थिंग, राइट. आप अगर किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो आपको एक छोटी यंग वुमन नज़र आ रही थी, अगर आप एक किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे थे तो आपको एक ओल्ड वुमन नज़र आ रही थी, राइट. तो पैराडाइम को शिफ्ट करना और अपने माइंडसेट को डिसाइड कर लेना कि कैसा रखना. नेगेटिव माइंडसेट होगा तो हर चीज़ नेगेटिव ही लगेगी, आप हर चीज़ को एक नेगेटिव लेंस से ही देखेंगे. लेकिन अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप
ऑफिस जाते जाते आप टाइम से निकले थे, रोज़ाना उसी टाइम पे निकलते हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जाते जाते रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप उस टाइम पे जो है फंस गए हैं ट्रैफिक में, एंड स्लोली स्लोली टाइम पास हो रहा है, अब आपको पता लग रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू बी लेट टू वर्क. ठीक, तो नेगेटिव माइंडसेट जो है वो ये कहेगा कि ये सब लोग गलत हैं, इस उस बंदे का फॉल्ट है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, उसने एक्सीडेंट करा लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया. सो हम अपना लोकस ऑफ कंट्रोल किसी और को दे देंगे, एक्सटर्नली कर देंगे कि ये सारा उनका कसूर है. पॉजिटिव माइंडसेट ये होगा कि कोई नहीं, ट्रेजिडीज हैपन, चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता कि रस्ते में किसका एक्सीडेंट हो रहा है और किसका नहीं हो रहा, मैं अपना ज़रूर बचा सकता. तो ये चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, तो मैं अगर इस पे बैठ के सोचता रहूँ, कुड़ता रहूँ, तो मूड मेरा ख़राब हो रहा है. फिर जब मैं इवेंचुअली काम पे पहुँचूँगा तो काम पे जाके मूड मेरा ख़राब रहेगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क गिरेगी. तो अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, कोई नहीं, इट हैपेंस, बॉस को जाके एक्सप्लेन कर देंगे कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था तो आई कुडंट कम ऑन टाइम, तो इट्स ओके. तो चीज़ें ज़रा स्मूथली रन करना शुरू हो जाएंगी, मूड आपका ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, काम पे जाएंगे अच्छे से काम भी कर सकेंगे. तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी होता है. जब हम किसी चीज़ को स्टॉप करते हैं तो एक तरीका होता है कि हम ये कह रहे होते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, फिर दिल करता है कि ये करो, क्योंकि हमारे जहन में सोच ही वो आ रही होती है. जैसे एक एग्जाम्पल है कि हम अपने आप को कहते हैं कि जी आइसक्रीम नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, तो जहन में क्या आता है? आइसक्रीम आती है ना जहन में, दैट्स द फर्स्ट थिंग. लेकिन अगर हम ये कह लें कि इसके बजाय हम फलां चीज़ खा लेते हैं, रिप्लेस करना है ना उसको, इसके बजाय हम फलां चीज़ खा लेते हैं या किसी और चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे भी ग्रेमलिन्स स्टॉप हो जाएंगे. जब आप ग्रेमलिन्स को घास नहीं डालेंगे, जब आप ग्रेमलिन्स को ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे तो वो रजिस्टर भी नहीं होंगे, आप कोई और चीज़ पे फोकस कर लेंगे. आप अगर क्रेविंग्स को मैनेज कर लेंगे अच्छे तरीके से तो क्रेविंग्स नहीं आएंगी, यानी कि आएंगी बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी. देखिए, जितना फ्यूल डालेंगे क्रेविंग्स में, जितना सोचेंगे क्रेविंग्स के बारे में, उतनी वो बढ़ती जाएगी. ये फैमिली के इनसे कुछ एक लिमिटेशन रह जाती है कि फैमिली को ये लगता है कि 100 डेज में क्रेविंग्स अब ख़त्म हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी. ये बात उनको समझाई जाती है कि क्रेविंग्स होंगी, दे आर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, दे पार्ट ऑफ द रिकवरी. बिकॉज जब आपने कोई चीज़ छोड़ी है जो आप इतना कंसिस्टेंटली कर रहे थे, तो उसका दिल करता है. काउंसलर तो नहीं ना ये जजमेंट पास करेगा, मैसेज कर लें, कॉल कर लें, वॉइस नोट ड्रॉप कर दें, फॉलो अप अगर आ रहे हैं तो फॉलो अप पे शेयर कर दें नीचे ग्रुप में. यहाँ पे तो इस तरह की जजमेंट नहीं होगी ना. जिस टाइम पे क्रेविंग हो रही हो तब मैसेज ड्रॉप कर दें, कॉल कर लें, अगर काउंसलर बिजी नहीं है तो वो उठा लेंगे, या वो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैसेज भेज देंगे व्हाट्स गोइंग ऑन. उससे भी कुछ हद तक क्रेविंग कम हो जाती है. बाकी का काम फिर मैनेज करना होता है, जो स्किल्स हैं उसके बेसिस पे. लोनली, लोनली से मुराद ये है कि बिल्कुल तन्हा हो जाना, आइसोलेट हो जाना, अपने आप को 24 घंटे कमरे में बंद कर लेना. यहाँ पे आप 24 घंटे कमरों में नहीं होते, आपकी सोशलाइजेशन होती है, सेशन हॉल में हो जाती है, खाने के वक्त होती है, नाश्ते के वक्त होती है, वॉक पे होती है, आप नीचे भी आते हैं, ऊपर भी सेशन होता है. तो यू आर नॉट स्टेइंग इन योर रूम फॉर लाइक एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम. लोनली से जब हम बात करते हैं तो मुराद ये होता है कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना, तन्हा, बिल्कुल तन्हा, किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना, बस अपने आप को कमरे में लॉक करके रखा. अच्छा, आइडेंटिफाइंग एंड रिप्लेसिंग ग्रेमलिन्स विद ऑटो पायलट्स को हम समझ लेते हैं कि ऑटोमेटिक फंक्शनिंग रिलाइज ऑन स्टोर्ड बिलीव्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्डर फॉर यू एंड द चिम टू गो टू स्लीप एंड लेट द कंप्यूटर टेक ओवर, यू हैव टू प्रोग्राम इट प्रॉपरली. यानी कि इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जब होनी है तो आपको ह्यूमन को और चिम को इससे दूर रहना है. अच्छा, तो आपको कंप्यूटर को प्रॉपरली प्रोग्राम करना होना चाहिए, आना चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर को काम करने दें, आप खुद ह्यूमन जो चिंप है, जो हम उस पे डालेंगे, जो हम सोचेंगे वही होगा.
हाँ तो वही ना, उसको प्रोग्राम जब एक दफा कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा ना, चीजें ऑटोमेटिकली रन करेंगी। आपको फिर हर दफा जाके दोबारा से उस सॉफ्टवेयर को नहीं ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो एक दफा हो जाएगा खुद ही होना शुरू हो जाएगा। तो उसको प्रॉपरली करेंगे तो होगा, उसमें कोई वायरस डाल देंगे तो वो आपको तंग करता रहेगा हर थोड़ी देर बाद। एडिक्शन की बीमारी जनरलाइज्ड है, वो किसी एक जगह पे नहीं होती है, उसमें आपके तमाम यानी कि आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व्ड होता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, चिम्प्रेन, हर चीज़, आपका लिवर भी इन्वॉल्व्ड होता है, आपकी किडनीज भी इन्वॉल्व्ड होती हैं। इट्स अ जनरलाइज्ड फिजिकल डिसऑर्डर, तो आप पूरी बॉडी इन्वॉल्व्ड होती है इसमें, तो उसको प्रॉपरली प्रोग्राम करना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, हाँ असल में हमारे जेहन में कंप्यूटर, असल में हमारा यानी कि जो एरिया है ब्रेन का पैराइटल लोब जिसको हम कहते हैं, उसमें कंप्यूटर पाया जाता है, या आपके जो मेमोरी सेंटर है उसमें भी कंप्यूटर थोड़ा सा पाया जाता है। तो टेक्निकल नेम्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं फॉलो करना, तो इस वजह से आसानी के लिए ब्रेन को डिवाइड कर दिया गया है कि ये तीन ब्रेन हमारे पास है, एक ही, लेकिन उसके आगे फर्दर डिविजन ऐसे कर दिए आसानी के लिए। तो दूसरी चीज़ है कि इफ़ इट डजेंट रन स्मूथली और इट डजेंट नो व्हाट टू डू, देन यू एंड द चिम्प स्टे अवे कैन इंटरफेयर, यानी कि अगर आपके पास कोई बिलीफ सिस्टम्स मौजूद नहीं है, या आपके पास कोई ऐसी पहले से थॉट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो ये स्मूथली नहीं चलता, तो आपको बार बार इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं होना होता। तो यू फाइंड योर सेल्फ मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू थिंग्स। तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, हाँ यानी कि कोई चीज़ आपको खटकती रहती है, यू कांट पिन पॉइंट इट, तो फिर बार बार जाके आपको उस पर सोचना पड़ता है, फिर दोबारा फिर सोचते हैं, फिर जाके वो कोई हल होती है, फिर वो प्रोग्राम हो जाती है, तो फिर आप कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द ग्रेमलिंस इन योर कंप्यूटर एंड देन रिमूव देम बाई रिप्लेसिंग विद ऑटो पायलट्स। के ग्रेमलिंस को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर ऑटो पायलट से उसको रिप्लेस कर देते हैं। वेन एवर ह्यूमन और चिम्प रिसीव्स एनी इन्फॉर्मेशन, दे फर्स्ट लुक अराउंड द कंप्यूटर टू सी इफ देयर इज एनीथिंग दे शुड नो रिमेंबर बिफोर एक्टिंग। मतलब कि आपके सामने कोई इंसान आके खड़ा होता है और वो आपको कहता है कि फलां चीज़ है, आप लोगों की जो पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ हैं चलें उसी को हम ले लेते हैं, तो आपसे आके आपकी एक्सपर्टीज़ पर कोई बात करता है, तो ह्यूमन ब्रेन या चिम्प ब्रेन पहले कंप्यूटर में देखता है कि क्या हमारे पास इससे रिलेटेड कोई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो मेंटल मैप्स हैं, जो स्कीमाज हैं जिसकी मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी, वो यही है ना कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। खाने की बात की थी तो खाने में इतनी चीज़ें निकल आई थी, कुजींस, टाइप्स ऑफ फूड, वॉट नॉट। गाड़ियों की बात की तो गाड़ियों से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें निकल आएँ कि उसका इंजन, तो उसका इंटीरियर, कौन सा मॉडल है, कितनी हॉर्स पावर है, ये सारी चीज़ें, राइट? तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, तो जब भी वी आर कन्फ्रंटेड विद समथिंग या कोई भी इवेंट होता है, तो हमारा ह्यूमन और हमारा चिम्प पहले कंप्यूटर ब्रेन में देखता है कि क्या हमारे पास इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपकी यानी कि कोई आपके पास आया है, उसने आपको कन्फ्रंट करना है कि जी आपने काम ठीक नहीं किया। अब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑन हाउ यू एक्ट। पास्ट में अगर पहले किसी ने आपको आके कन्फ्रंट किया हो और वो कन्फ्रंटेशन अच्छी ना गई, यू वर रियली अपसेट, यू वर रियली ऑफेंडेड, उसने बहुत बुरे तरीके से बात की थी, उसने गाली निकाल के बात की थी, उसने आपके तमाम हार्डवर्क को डिसरिगार्ड कर दिया था, तो आपका कंप्यूटर ये बिलीफ आपको प्रेजेंट करेगा कि एक दफ़ा पहले भी कॉन्फ्रंटेशन हो चुकी थी और वो ख़राब हुई थी। तो अब क्या होगा कि अब हम पहले ऑन गार्ड हो जाएंगे, चिम्प ब्रेन हमारा पहले ऑन गार्ड हो जाएगा कि इसने फिर मुझे सुना, ये जो बंदा, बेशक दूसरा बंदा है, ये जो आया है मुझे बताने, तो इसने मुझे फिर कुछ ना कुछ ज़रूर सुना देना। अब यहाँ पे ये ग्रेमलिन है आपका, ऑटो पायलट जो है वो ये कहेगा कि इसको चांस दे के देख दो, दूसरा बंदा है, डिफरेंट बंदा है, डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं, तो इसको चांस दे के देखता हूँ कि ये बात क्या करेगा, क्या कहेगा।
हो सकता है कि वो गुस्सा ना ही करे, हो सकता है कि वो लड़ाई या कोई गाली गलोच ना ही करे, तरीके से बात कर ले मुझसे, तो ऑटो पायलट ही होगा। इस वजह से ग्रेमलिन्स को ऑटो पायलट से रिप्लेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि चिम्प ब्रेन जो है और ह्यूमन ब्रेन वो कंप्यूटर की तरफ ही जाते हैं, उससे कोई पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं फिर एक्ट करते हैं। फिर है कि इफ़ दे आर गिवन कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्पफुल कॉमेंट्स फ्रॉम एन ऑटो पायलट दे विल सेटल डाउन एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली। जैसे मैंने अभी बात की कि ऑटो पायलट कहेगा कि इस बंदे को चांस दे के देखते हैं, नया बंदा है, अच्छी बात ही करेगा, कोई बुरी बात नहीं करेगा। लेकिन अगर उनको डिस्ट्रक्टिव ग्रेमलिन कोई दे देता है इंफॉर्मेशन कि ये कॉन्फ्रेंटेशन पहले हो चुकी हुई है, बॉस ने आके पहले बहुत सुनाई थी, तो इस वजह से वो उसके मुताबिक फिर एक्ट करेगा। चिम्प ब्रेन जो है हमारा एनिमल ब्रेन है, जिसमें हमारे इमोशंस, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड बिलीव्स, डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम में होता है, जिसमें हिप्पोकैम्पस होता है, अमिग्डाला होता है, और एक और चीज़ होती है जो मेरे दिमाग से भी स्लिप कर रही है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। ये इमोशनल ब्रेन है हमारा, ठीक है, जिस बाती दिमाग है हमारा इमोशनल ब्रेन, ये हमारे लिए कभी बहुत अच्छा काम भी करता है और कभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अच्छा काम ये इस तरह करता है कि ये हमें सर्वाइव करने में मदद देता है, हमारी नस्ल आगे चलाने में हेल्प करता है, हमारा जो बेसिक शेल्टर, खाना पीना सोना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये चिम्प ब्रेन करवाता है। अब डिस्ट्रक्टिव ये तब होता है जब ये एक्टिवेट हो जाता है जहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए। गाड़ी चलाते हुए एक्टिवेट हो गए, रैश ड्राइविंग होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। बात करते हुए एक्टिवेट हो गए, गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं कि ये अच्छा भी है, ये बुरा भी। अगर कोई ग्रेमलिन हमें इंफॉर्मेशन दे देता है और वो कहता है कि ये जो बंदा जिसने लाइन कट करके क्यू में हमारे आगे आके खड़ा हो गया है, ये बहुत बुरा इंसान है, ये बंदा अच्छा नहीं है, ये अच्छे घराने से बिलोंग नहीं करता, इसको तमीज़ नहीं है, इसको कोई समझ नहीं है कि कैसे लाइन में खड़ा होना चाहिए, तो हम उसके मुताबिक हमारा चिम्प ब्रेन राइल अप हो जाएगा, चिम्प ब्रेन को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, जैन सा चिम्प ब्रेन थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना शुरू कर देगा, गुस्सा बढ़ता जाएगा तो फिर चिम्प ही हमें फोर्स करेगा कि हम उसको सुनाएं, फिर हम उसको सुनाएंगे, फिर वी विल टैप दैट पर्सन ऑन द शोल्डर एंड वी विल बी लाइक कि भाईजान आपकी आपने क्यों ऐसे किया है, आप ज़रा निकलें यहाँ से बाहर, पीछे जा के खड़े हो, तरीकाकार आपका गलत है, ये है वो है, इस तरह की सारी बातें होना शुरू हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। जब हम इसको समझ लेते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा अरसान साहब, विच इज दैट के इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, अच्छा अब ये तरीका है ऑन हाउ टू रिप्लेस ऑटो पायलट यानी कि ग्रेमलिन्स विद ऑटो पायलट्स, कि अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे ग्रेमलिन्स को, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सोचों की खराबी है, ये मसला है, ये ग्रेमलिन है। दूसरी चीज होगी के टू रिप्लेस अ ग्रेमलिन यू मस्ट इंट्रोड्यूस एन ऑटो पायलट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बिलीव दैट इज अनहेल्पफुल, यू मस्ट रिप्लेस इट विद अ हेल्पफुल बिलीव। आगे एग्जाम्पल्स हैं उसके हेल्प से भी आपको मैं समझाती हूँ थोड़ा। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड वी आर ऑल वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, ये ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट की एग्जाम्पल है कि तमाम इंसान जो हैं वो वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट हैं, काबिले इज्जत हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब अगर ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दी भी कि कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो ह्यूमन और चिम्प जो है वो कंप्यूटर में जाएंगे और वो देखेंगे, गाइडेंस लेंगे कि क्या है। तो अगर ऑटो पायलट ये देगा ना कि वो ऑल वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, तो हमारा रिस्पॉन्स ये होगा कि हम पोलाइटली इस बात को हैंडल करेंगे, हम आराम से उस बंदे से बात करेंगे और कहेंगे कि आपने जो रवैया किया ठीक नहीं है, आई वॉज हियर फर्स्ट, तो काइंडली आप लाइन के पीछे जाके खड़े हो जाएं जहाँ पे आपको होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज़ ग्रेमलिन देता हमें, ग्रेमलिन ने ये कहना था कि जी ये पैड़ा इंसान है, तो फिर हमने गुस्सा करना था उसके साथ, फिर हमने उसको खींच के बाहर निकालना या ऐसे कुछ करना। फिर जब नहीं हो पाता फॉर वट एवर रीज़न,
तो हम फिर बहुत बुरा महसूस करते हैं, वी फील लाइक दैट वी आर लूजिंग कंट्रोल ओवर आर सेल्व्स, फिर हम उस अपने आप को कोसने में पड़ जाते हैं, फिर ऑल और नथिंग थिंकिंग होती है. एक बंदा है वो डाइट पे है, वो कहता है कि आई शुड ईट हेल्दी ऑल द टाइम, इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस वो आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं. अब वो ऑल और नथिंग थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी कि मेरी पूरी डाइट बर्बाद हो, क्योंकि उसने अपने लिए प्रेमिस ही ये सेट किया है कि मैंने खाना ही हेल्दी, विच वॉज अनरियलिस्टिक. हर वक्त हेल्दी नहीं खाया जा सकता, बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए जिसमें कार्ब्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, ठीक है अनहेल्दी ना हो ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ होती है. तो जब हम ये कहते हैं ना कि आई कुड ईट सेंसिबली ऑल द टाइम, तो हम बेसिकली अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी सेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सेंसिबली खाना चाहिए. बीच में कभी कभार हो सकता है कि मैं सेंसिबली ना भी खाऊं, हो भी सकता है कि मैं कभी डाइट से थोड़ा सा इधर हो जाऊं और मैं कोई जंक फूड खा लूं, मैं कोई पिज्ज़ा या बर्गर ऐसी कोई चीज़ खा लूं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मेरी पूरी डाइट ख़राब हो गई है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कि पूरी ज़िंदगी नशे के बगैर रहना है. लेकिन अगर इस तरह सोचना शुरू कर दें कि नशे के बगैर रह सकता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी, ये ज़्यादा आसान है. इसलिए शुड्स को कुड्स में चेंज करना ज़रूरी होता है. मस्ट है तो उसको माइट में कर दें कि आई मस्ट बी परफेक्ट, आई माइट बी परफेक्ट या आई माइट मेक मिस्टेक्स, जो भी. तो आई शुड ईट सेंसिबली ऑल द टाइम बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफ़िकल्ट है फॉलो करना. आई कुड ईट सेंसिबली थोड़ी लाइटर बात है, आसान है फॉलो करना, अच्छा भी महसूस करवाए. इसी तरह ये बाकी हैं कि आई शुड बी मोर ऑर्गेनाइज, उसका है कि आई कुड बी मोर ऑर्गेनाइज, कि हर वक्त बंदा ऑर्गेनाइज नहीं भी हो सकता, हर वक्त टिप टॉप नहीं रह सकता, हर वक्त नहीं अपना ब्लैंकेट तय कर सकता. कभी कभार बीच में हो जाता है कि इन अ रश हम निकलते हैं तो हम अपना कमरा ऐसे ही छोड़ आते हैं, बाद में आके कर लेंगे. ज़रूरी नहीं है कि हम ये अपने लिए सेट कर दें एक्सपेक्टेशन कि सुबह उठें लेट भी हो रहे हों तो ये करना है हमने. कभी कभार अब इसका ये मतलब नहीं है कि आई कुड बी मोर ऑर्गेनाइज में कि हम ज़्यादा वक्त डिसऑर्गेनाइज रहें, एब्सोल्युटली नॉट. मतलब ये है कि अपना थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं आप अपने आप को, बट उस लेवरेज को एग्जॉस्ट नहीं करना, उस लेवरेज को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना.